नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसे एक चमत्कार से कम नहीं कह सकते। जी हां, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि जैसा हम सब हमेशा आमतौर पर कहते हैं कि कण कण में भगवान है, और आज ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला जिसमें आप देखिए कि एक पेड़ के तने ने भगवान श्री गणेश का रूप ले लिया है, और वो भी गणेश चतुर्थी के मौके पर। गणेश चतुर्थी के दिन हम सब लोग भगवान श्री गणेश की जो प्रतिमाएं मूर्तियां होती हैं वो अपने घरों में स्थापित करते हैं, लेकिन एक भाई साहब हैं जो पर्यावरण प्रेमी हैं और पर्यावरण से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इनके घर पर करीब करीब 1000 से अधिक पौधे लगे होंगे, और उन भाई साहब के घर में एक ऐसा पेड़ का तना देखने को मिला जिसमें आप देखिए भगवान श्री गणेश का पूरा प्रतिमा का रूप ले लिया है। तो इन्होंने इसी तने को लेकर के अपने घर में उनकी स्थापना की है, उनकी पूजा कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक जीवित पौधा जो पेड़ है उसका तना है, और ये जो तना है ये 22 साल पुराना है। आप देखिए किस प्रकार से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का रूप इस तने ने लिया है, और इन्होंने इसके ऊपर सजावट इस प्रकार से शेप देने की भी कोशिश की है। और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि किस प्रकार से हम लोग आमतौर पर बातें करते रहते हैं कि कण कण में भगवान बसता है, हर चीज में भगवान है, तो ये आप साक्षात देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक पेड़ के तने ने भगवान श्री गणेश का रूप जो शेप है उस प्रकार का रूप आप देख रहे हैं। आप देखिए किस कितनी खूबसूरत इन्होंने भाई साहब ने जो है वो शेप दिया है, पूरा ऊपर पत्ते भी लग रखे हैं। अब ये भाई साहब जो है मैं इनसे बात भी करूंगा, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप जितने भी हमारे दर्शक हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप, और ये जो गणेश भगवान की प्रतिमा का शेप एक तने ने लिया ये कैसे कहाँ दिखा आपको, और फिर कैसे यहाँ पर आपने स्थापित किया है? मेरा नाम मदन मैसूरी है और राय कॉलोनी में मेरा घर है, और पिछले काफ़ी सालों से मैं प्लांटेशन का काम कर रहा हूँ, और ऊपर की छत के ऊपर मेरा जो टेरेस गार्डन बनाया है उसमें मैंने 800 से 1000 प्लांट का सेटअप कर रखा है, जिसमें मेरे पास करीब 125 से 150 वैरायटी के अलग अलग वैरायटी के प्लांट हैं। अभी कुछ मेडिसिनल प्लांट के ऊपर भी हमारा काम चल रहा है, और अभी बॉन्जाई के ऊपर हम लोग अलग से स्पेशली काम चल रहा है। ये जो भी आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा बॉन्जाई का सेटअप किया हुआ है। बॉन्जाई का मतलब एक जो बड़ी साइज के जो पेड़ रहते हैं उनको बॉन्जाई के तौर पर छोटी साइज में बना के उनको छोटे पॉट में बना के उसको सेट करना। तो हमने इसके ऊपर अभी हमने पीपल के ऊपर, बरगद के ऊपर, जेड के ऊपर और एडेनियम के ऊपर, इन सब कई अलग अलग कई तरीके के प्लांट के ऊपर अभी हमने काम किया है। अच्छा, ये जो पौधा है ये इसका क्या नाम है, और ये आपको कब कब दिखा इस प्रकार का गणेश भगवान की प्रतिमा का रूप ले लिया हुआ, और इस प्रकार कब दिखा? ये एडेनियम डेजर्ट रोज प्लांट है और ये करीब 20 से 22 साल की एज इसकी है। इसके ऊपर अभी हमारा काम चल रहा है, इसको हमने गणेश जी की शेप देने की कोशिश की, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी की बनाना, मगर घूम फिर के हम आते तो केमिकल के ऊपर ही है। उसके बाद जब विसर्जन करने जाते हैं तो विसर्जन के बाद में भी वही दिक्कत आती है, केमिकल जो पानी में जाता है। तो इस बार हमने मिट्टी के गणेश जी बनाए हैं, और मिट्टी के गणेश जी के अंदर जितनी हमने मिट्टी काम में ली है उतनी की उतनी मात्रा में हम देसी गाय का गोबर काम में लेके उसका विसर्जन करेंगे पानी की बाल्टी के अंदर। बिल्कुल, आप देखिए ये जो भाई साहब कह रहे हैं गणेश जी बनाए हैं मिट्टी के, एकदम देसी मिट्टी के गणेश जी बनाए, और उनका विसर्जन भी एक कुंड में करके और उसमें देसी खाद डाल करके जितने भी इनके घर में प्लांटेशन है, पौधे लगाए, उनमें वो प्रसाद के रूप में वो खाद सब में डालेंगे। और इसके साथ ही ये आप देखिए कि गणेश भगवान की जो प्रतिमा का रूप एक पेड़ के तने ने लिया है कितना शानदार है, और साथ ही आप देखिए कि एक पीपल का पेड़ है जो करीब करीब एक पेड़ के रूप में दिख रहा है, और ये इसकी हाइट जो है 1.5 फीट की है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इन्होंने मेहनत की होगी और कैसे इस प्रकार के पेड़ को और इस प्रकार के तने को इन्होंने बनाया होगा। तो जितने भी दर्शक के बारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय गणपति महाराज की जय हो।